In this video, we are going to discuss about the pressure setting in Neuron 3 LG PLC. For this, I have to go. This is enter button. यहाँ पे enter कीजिए. ये view, operator, service, ये सारे data आ रहे हैं. आप तो आपको जाना है operator में. Operator में गए. Operator का password है 4545 34. Next 5. Next 4 and then 5. This is your operator password 4545. ये एंटर करने के बाद मेंटेनेंस में जाइए. यहाँ पे आपको अगर एयर फिल्टर चेंज किया तो एयर फिल्टर नो को यस कीजिए और फिर एंटर कर दीजिए. वैसे ही आप अपने जैसे ऑयल फिल्टर हमने चेंज किया तो ऑयल फिल्टर में गए, इसको यस किया, एंटर किया, उसके बाद यहाँ से हमने इसको रीसेट कर दिया. ये सारे पैरामीटर्स आते हैं. पहला एयर फिल्टर चेंज टाइम, सेकंड ऑयल फिल्टर चेंज टाइम, सेकंड ऑयल सेपरेटर चेंज टाइम, ऑयल चेंज टाइम और रीग्रीसिंग टाइम. वैसे ये आपकी वाल किट्स चेंज टाइम. अब हम बैक जाते हैं, मशीन में जाते हैं. इसमें क्या क्या डाटा है? इसमें प्रेशर है, प्रेशर की सेटिंग करनी है. तो ये प्रेशर हो गया, इसको आप प्रेशर को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं एंटर करके. वैसे ही लोड प्रेशर, अनलोड प्रेशर इस पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं. फिर बैक जाए, ये बाकी सारे पैरामीटर है चेक करने का. ये जैसे मोड है, मोड में आ जाके कंट्रोल मोड, लोकल, रिमोट, जो लेना है आप वैसे ले सकते हैं. इस पर सेलेक्ट करके अप डाउन करके प्रेशर की यूनिट क्या है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, ये सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. इसमें ऑटो रीस्टार्ट ऑन किया हुआ है. ऑटो रीस्टार्ट ऑन है, जैसे पावर ऑफ होके ऑन होगी तो अपने आप लाइट जल जाएगी. ये इसकी सिंबल है ऑटो रीस्टार्ट ऑन की. वैसे ही आप अगर व्यू में देखना चाहते हैं पैरामीटर्स वगैरह तो ये आपका व्यू है. व्यू में आप यहाँ से देख सकते हैं सर्विस टाइम वगैरह, एयर फिल्टर कितना बचा है, ऑयल फिल्टर चेंज टाइम, ऑयल सेपरेटर चेंज टाइम, ऑयल चेंज टाइम और रीग्रीसिंग टाइम और वाल किट्स चेंज टाइम. वैसे ही क्यूमुलेटिव टाइम आप चेक कर सकते हैं, कितने घंटे मशीन अब तक चली है, ये लोड अनलोड रन स्टॉप. ये हो गया आपकी PLC सेटिंग. ये हो गया आपका डे रिपोर्ट पर डे मशीन के यूटिलाइजेशन. इसमें एक पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होता है आपका कम्युलेटिव टाइम में. आप जब जाके देखोगे ये लोड काउंट, टोटल लोड काउंट कितनी है, मतलब इस टोटल लोड काउंट को अगर हम टोटल रनिंग आवर से डिवाइड करेंगे तो पर मिनट में मशीन कितनी बार लोड अनलोड हो रही है, इंटेक वाल की ऑपरेट कितनी बार हो रही है, वो कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये 30 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगी तो बाकी सब स्पेयर पार्ट्स फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. दिस वाज ऑल फॉर Neuron 3 PLC. थैंक यू सो मच. दिस इज एस्केप बटन, होम पेज पे चले आए. ओके, थैंक यू सो मच.